अगला क्या है आपके खजाने में? मुनीर भाई, दिवाली का टाइम है, रॉकेट तो लगाएंगे आप, कहीं ना कहीं छोड़ेंगे, तो डिफेंस और स्पेस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो एक कंपनी मैंने ऐसी चुनी है जो ना सिर्फ डिफेंस और स्पेस में है, एरोस्पेस में है, डिफेंस में है, न्यूक्लियर पावर में है, और कुछ साधारण बिजनेस जो शुगर मशीनरी और ये सब बनाने में भी है। बहुत पुराना नाम है, करीब कम से कम 70-80 साल से कंपनी कर रही है काम, लेकिन काफी तकलीफ में रही थी और अभी तकलीफों से बाहर निकली है। तो मुझे तो ये टर्न अराउंड वाली कंपनी पे वैल्यू थोड़ी ज्यादा दिखती है। कंपनी का नाम है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको तब समझ आएगा कि इतनी सी छोटी कंपनी ये सब चीजें करने की कैसे बातें कर रही है। जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन उसने डिस्क्लोज वहां किया है, जिसका हुलिया दिया है, वो आप देखेंगे तो कम से कम 10-12 चीजें अलग अलग एरियाज में करते हैं, और हर जगह कुछ बड़ी अच्छी लेवल का काम करते हुए दिखते हैं। जैसे शुगर मशीनरी में हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होने के लिए सबसे पहली मशीनरी जो शुगर फैक्ट्री में लगती है वो गई थी, तो इनके यहाँ से गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप का कामकाज हुआ करता था, बट बाद में कई तकलीफें हुई, कुछ डिस्प्यूट्स हुए, और उसकी वजह से कंपनी काफी टाइम तक दिक्कत में रही। अब पिछले 3-4 साल के नुकसान वाले माहौल से प्रॉफिट में पहली बार आई है। 19 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया। कुछ खास रेवेन्यू बहुत बड़ी आपको नहीं लगेगी, 325 करोड़ के करीब रेवेन्यू दिखेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये कि रेवेन्यू आ कहाँ से रही है। रेवेन्यू आ रही है ऐसे ऐसे कामों में से जो इस पिछले काफी सालों से जिसपे ये लगे हुए थे। जैसे अभी हमारे यहाँ जो गगनयान का एक मिशन लॉन्च हुआ था, उसमें जो मिशन में जो स्पेस मैन मिशन है, तो इससे पहले 2 अनमैन्ड मिशन भेजे गए थे, तो उसमें जो ट्रायल के तौर पे, तो एक मॉड्यूल जो अलग होकर निकल रहा है उसकी मोटर इन्होंने बनाई, तो जो सेपरेट होके अपना अलग हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें, क्रिटिकल चीजें बना रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स बना रहे हैं, हेवी इंजीनियरिंग में है ये लोग। और अब मुझे समझ जो आ रही है कि इस कंपनी ने हाल में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स से पैसे जुटा के अपनी बैलेंस शीट को भी स्ट्रेंथन किया, ताकि अगले कुछ सालों में जो काम करें उसमें वर्किंग कैपिटल की कोई आंच ना आए, क्योंकि डेट वेट जो है उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। और आपको आज 7.5-8 करोड़ की मार्केट कैप पे जो मिल रही है, आप देखेंगे तो लगेगा भाव बहुत बढ़ गया है पिछले 1 साल में, लेकिन अभी मुझे लगता है 800 करोड़ पे जो प्रॉफिट क्षमता इसकी है वो यहाँ से एटलीस्ट 2-3 गुना हो सकती है अगले 2 साल में। और जब वो हो जाएगी तो आपको ये कंपनी बहुत सस्ती लगने लगेगी, मतलब वैल्यूएशन मतलब स्ट्रेच नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है एक इसको देखा जा सकता है, वैल्यू पिक है, थोड़ा सा पेशेंटली आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि टर्न अराउंड सिचुएशन में टाइम लग सकता है। ओके, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनते थे उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन होता था। बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत क्रिटिकल काम करती है ये, प्रिसाइज काम करती है ये, और अब ये अपने उस बुरे समय से निकल के अच्छे दौर में आ गई जहाँ पे इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।